नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी, देखते हैं। आइए देखिए, पहला लिखा है आपका ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मतलब कि मैग्निफिशेंट, यानी कि शानदार। सेकंड है आपका एवरेज। एवरेज मतलब शॉर्टन, यानी कि छोटा करना। अब देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं हम। देखिए ग्रैंड्योर में लिखा हुआ है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बड़े लोग कैसे होते हैं? शानदार होते हैं। याद हो गया। नेक्स्ट है एब्रिज। ब्रिज में क्या है? ब्रिज छुपा हुआ है ना, तो ब्रिज को हम छोटा या बड़ा कैसे भी बना सकते हैं ना, तो इस स्टेप से ये याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब होता है यूजलेस या फिर यूजलेसनेस, यानी कि बेकार। देन है स्टैगर। स्टैगर मतलब होता है फेल्टर, यानी कि लड़खड़ाना। अब देखते हैं, याद करते हैं इसको। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी में क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होते हैं? हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि बर्तन। तो बर्तन अगर हम मान लिए काम के नहीं होते तो क्या होते हैं? वो यूजलेस हो जाते हैं। क्या होते हैं? यूजलेस, यानी कि बेकार हो जाते हैं। याद हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टैगर। स्टैगर में देखिए क्या छुपा हुआ है? रॉयल स्टैग छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? रॉयल स्टैग। तो जो लोग रॉयल स्टैग पीते हैं, मीन्स ड्रिंक करते हैं, क्या करते हैं? ड्रिंक। तो ड्रिंक करने के बाद कैसे करते हैं? वो लड़खड़ाते हैं। क्या कहते हैं? लड़खड़ाते हैं, यानी लड़खड़ाना। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ओबेस। ओबेस मतलब होता है वेरी फैट, यानी कि बहुत मोटा। इसको याद कैसे करते हैं? देखिए बेस छिपा हुआ है। बेस यानी कि बेस मान सकते हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना, तो हम क्या होते हैं? बेस बढ़ जाता है हमारा, मतलब भारी हो जाते हैं। तो इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं, बहुत मोटा। नेक्स्ट है पैलेटियल। पैलेटियल मतलब होता है मैग्निफिशेंट, यानी कि शानदार। देखिए पैलेटियल में लिखा पलट। क्या लिखा? पलट। हम पलट कब बोलते हैं? जब किसी शानदार व्यक्ति को देखते हैं। क्या देखते हैं? शानदार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में। अब देखिए इसमें पकड़ते कैसे हैं? इंसेप्शन में क्या है? रिसेप्शन छुपा हुआ। क्या छुपा हुआ है? रिसेप्शन। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम रिसेप्शन पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रिसेप्शन पे जाते हैं। तो शुरुआती में होता है वो आपका। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है इनसेंस। इनसेंस का मतलब होता है एक्सप्रेटेड, यानी कि वेरी एंग्री, या फिर इनरेज्ड मतलब क्रोध या गुस्सा। समझ में आपको? क्रोध या गुस्सा। ठीक है, तो इनसेंस में क्या करते हैं? सेंस या फिर क्रिटिसाइज कर सकते हो आप। ठीक है, क्रिटिसाइज से याद कर सकते हो। जब किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, कैसा होता है? वो गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्किन टिलेंट। स्किन टिलेंट मतलब होता है शाइनिंग, यानी कि टिमटिमाता हुआ। अब याद कैसे करें इसको भाई? इंटेलिजेंट लग सकते हैं इंटेलिजेंट में हम। और इंटेलिजेंट लोग कैसे होते हैं? चमकते हुए होते हैं, यानी कि टिमटिमाते हुए होते हैं, हमेशा चमकते हैं वो। नेक्स्ट है आपका सोल। सोल यानी कि ओनली, यानी कि एकमात्र, मतलब अकेला। अब सोल, सोल में दिखा है, सोल का मतलब खुद ही क्या है? अकेला हो गया, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेलिडिक्शन। मेलिडिक्शन मतलब कर्स, यानी कि अभिशाप। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो मेल जो है, मेल क्या है? डिक्टेटरशिप करता है। अगर मेल डिक्टेटरशिप करता है तो उसको फीमेल क्या बोल देती, कहती है? अभिशाप दे देती है। क्या करती है? अभिशाप दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है एले। एले मतलब काम, यानी कि शांत। हम छोटे बच्चों को नहीं बोलते एले ले ले शांत हो जा बेटा, बोलते ना एले ले शांत हो जा बेटा। तो इस टाइप से आप लिंकअप करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका पेटुलेंट। पेटुलेंट मतलब होता है इरिटेबल, यानी कि चिड़चिड़ा। अब देखिए इसमें पेटुलेंट में हम क्या पकड़ेंगे? पेटू पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? पेटू। और पेटू जो लोग होते हैं, अगर उनको पेटू बोल देता है ना कि तू मोटा है, पेटू है, ज़्यादा खाता है, तो कैसे हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या होता है? चिड़चिड़ा। ठीक है, याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनी। मोनोटोनी, मोनोटोनी में क्या मतलब होता है? बोर्डम, यानी कि नीरस, मतलब उदास। मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है, इसमें पकड़ेंगे आप टोनी जो है मौन रहता है, मतलब चुप रहता है। क्या रहता है? चुप रहता है। तो चुप रहता है तो मतलब क्यों? उदास रहता है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रिपोज। रिपोज मतलब होता है रेस्ट, यानी कि विश्राम करना। देखिए जब हम भी कोई पिक क्लिक करते हैं ना, जब हम पिक क्लिक करते हैं तो हम पोज देते हैं। क्या देते हैं? पोज। और पोज जब हम देते हैं बिल्कुल एकदम
विश्राम की पोजिशन में होते हैं, तो इसलिए विश्राम करना, याद हो गया। नेक्स्ट है डब्ल्यू आर ई टी एच, रैत। रैत मतलब एंगर यानी कि गुस्सा। रैत में क्या, रथ मान लीजिए, रथ पे जो लोग चढ़ते हैं युद्ध के लिए जाते हैं और वो गुस्से में होते हैं, क्या होते हैं, गुस्से में होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनाथीमा। एनाथीमा मतलब कर्स यानी कि श्राप। अब एनाथीमा क्या, देखो आत्मा देखो, ठीक है, आत्मा को कभी भी हीन नहीं महसूस कराना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करती है, अभिशाप मिल जाता है हमें, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, अदरवाइज वो हमें अभिशाप दे सकता है, तो इस टाइप से श्राप हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है माइजर यानी के कंजूस। स्टिंगी में क्या छिपा हुआ है, टिंगी मतलब छोटे लोग। छोटे लोग कौन होते हैं, जो कंजूस होते हैं, ठीक है, और उन्हीं को हम छोटा लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं हो रही है, जिनका दिल अच्छा होता है वो अमीर होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश मतलब डिसअपियर यानी कि गायब। देखिए वैनिश एक पाउडर है, आपने देखा होगा मार्केट में, तो उसको जब हम यूज़ करते हैं क्लोथ धोने के लिए, तो क्या करते हैं, गंदगी को गायब कर देता है, क्या कर देता है, गायब कर देता है, तो याद हो गया। नेक्स्ट है कंटेमनेसियस। तो कंटेमनेसियस मतलब होता है डिसओबीडेंट यानी कि अक्कड़ अविकारी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तुम एवेसियस मतलब तुम बहुत अवज्ञाकारी हो, मतलब क्या हो, अड़ियल हो, क्या हो, अड़ियल। तो इस टाइप से याद हो गया, ठीक है साइंस गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।